फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की छत्रियाँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंशों की छत्रियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। पहले अगर हम बात करें तो कौन सी अपन ले सकते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम लेना चाहें बूंदी की जो राजाएँ हैं, राजा है बूंदी के, हाड़ा शासकों की छत्रियाँ, और ये छत्रियाँ जो है दोस्तों वो कहाँ पर हैं तो आपके है केसर बाग की छत्रियाँ। केसर बाग की छत्रियाँ यहाँ पर जो है आपके बूंदी के हाड़ाओं के शमशान घाट है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखना चाहें तो कोटा के ले लेते अपन। कोटा के शासकों की छत्रियाँ कौन सी हैं तो कोटा के शासकों की जो छत्रियाँ हैं वो है, स्मारक है आपके शारबाग की छत्रियाँ यहाँ पर कोटा के शमशान घाट है छत्री शारबाग की छत्रियाँ। इसके बाद अपन लेना चाहे तीसरा तो वो अपन चलते हैं कहाँ पर, आपके चलते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की छत्रियाँ, राठौड़ वंश की छत्रियाँ जोधपुर के राठौड़ वंश की छत्रियाँ वो है एक तो आपके कागाबाग और एक है यहाँ पर मंडोर। महिलाओं की और जो है पुरुषों की अलग अलग छत्रियाँ बनी हुई, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर अगर अपन लेना चाहें तो जयपुर की छत्रियाँ ले लेते हैं और जयपुर के शासकों की छत्रियाँ हैं वो है आपके गेटोर की छत्रियाँ। इसके बाद चलते हैं अपन जैसलमेर, और जैसलमेर में अगर हम देखना चाहें तो जैसलमेर में कौन सी छत्रियाँ हैं, जैसलमेर में है वो है आपकी बड़ा बाग। जैसलमेर में जो शासकों की छत्रियाँ है वो है आपका बड़ा बाग की छत्रियाँ। फिर अपन उदयपुर लेना चाहें या मेवाड़ कर देता हूँ मैं, मेवाड़ की छत्रियाँ वो है आयड़ की छत्रियाँ यहाँ पर जो है मेवाड़ के स्मारक बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपके जो है वो प्रमुख शासकों की छत्रियाँ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसा लगा आज का इफेक्ट? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।